दोस्तों, आज के समय में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होने के कारण और डस्ट, धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हमारे जो बाल है बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं, टूटने लगते हैं, साथ ही साथ डैंड्रफ हो जाता है और जो बालों की जो प्रॉब्लम है वो अब जो है स्टार्ट हो जाती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल खूबसूरत स्किन, दिस इज मी आशराना। तो आज के वीडियो में हम आपको जो है फेश किंग आयुर्वेदिक शैम्पू के ऊपर रिव्यू देने वाले हैं, जो कि आपका जो है बेस्ट रिव्यू होगा। इस वीडियो में हम आपको सारी डिटेल्स बताएंगे कि कैसे आपको यूज करना है और किस तरह से आपको इससे साइड इफेक्ट नहीं होगा और जो भी इसमें आपको फायदा होगा इससे, तो सब कुछ इसमें हम आपको बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिए। सबसे पहले जो आयुर्वेदिक शैम्पू है, ये आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ही समझ लीजिए बालों का, क्योंकि इससे आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। ये आपके बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि इसमें आपको पता ही होगा कि इसमें 21 हर्ब्स है जो कि आयुर्वेदिक है, इसलिए इसमें जो है आपके जो इंग्रेडिएंट है वो आपके जो आपके बाल और आपके जड़ों को मजबूत बनाते हैं। तो चलिए चलते हैं कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट मिक्स हुए हैं। तो इसमें सबसे पहले जो है आपका एलोवेरा है, भृंगराज है, अमालकी है, मेथी है, जटामांसी है, मजिस्टा है, लोधरा है, जापा है। इसमें आपके ऐसे ही इतने सारे 21 हर्ब्स इसके अंदर आपके इसमें मिले हुए हैं। आप समझ ही गए होंगे कि जो एलोवेरा है ये आपके जो बालों को नेचुरली मॉइस्चराइज करता है। रंगराज जो है वो आपके जो ब्लड सर्कुलेशन को उसको बूस्ट करता है, साथ में आपके जो हेयर ग्रोथ को ये जो है बढ़ाता है। साथ ही साथ अब बात आती है अमालकी, अमालकी क्या करता है, ये जो है आपकी जो आपके हेयर है उनकी जो स्ट्रेंथ है उनको बढ़ाता है। अब बात आती है मेथी, मेथी जो है वो आपके हेयर लॉस को रोकती है। मेथी जो है बहुत ही ज़्यादा आपके बालों के लिए फ़ायदेमंद है, ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपको बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। जटामांसी जो होता है वो आपके कंट्रोल करता है प्रीमेचर ग्रेइंग को, और साथ ही ये जो होता है आपके कलर जो है हेयर का कलर उसको ये जो है इन्हेंस करता है। ये जटामांसी जो है आपके बालों के कलर को भी अच्छे से निखारता है, यानी कि अगर आपके बाल वाइट हो रहे हैं तो वो उसको रोकता है। साथ आती है बात मजिस्टा, मजिस्टा जो होता है वो आपके जो बालों की ग्रोथ है उसको बहुत ही ज़्यादा फास्ट तरीके से बढ़ने में हेल्प करता है, और साथ ही साथ ये जो है बहुत ही जल्दी और बहुत ही फास्ट काम करता है आपके बालों की ग्रोथ को बढ़ाने में। लोधरा जो होता है ये सबसे अच्छा एक इंग्रेडिएंट समझ लीजिए आप, ये आपका जो है एक ऐसी प्रॉपर्टी समझ लीजिए जिससे कि आपके जो बाल है उसको मेडिकल के रूप में आपको ये जो है प्रॉपर्टीज कंप्लीट करता है, यानी कि ये जो है आपका एक दवाई समझ लीजिए लोधरा, जो कि बालों के लिए फायदेमंद है। फिर आती है बात जापा, जापा जो है आपका क्या करता है, ये आपकी बालों की हेयर को बढ़ाता है, यानी कि आपके जो बालों की लंबाई है, बालों की जो मजबूती है, साथ ही साथ बालों की जो चौड़ाई है उसको ये मजबूत करता है और साथ ही साथ लंबाई को बढ़ाता है। और इससे इन सब इंग्रेडिएंट को देखकर आपको पता चल गया होगा कि हाँ इतनी सारी चीज़ें इसमें मिक्स है, तो अपने बालों को आप कितना और कितनी तेज़ी से लंबा मजबूत घना बना सकते हैं, वो भी कितने थोड़े से ही दिन में, यानी कि आपका 1 वीक के अंदर ये फ़र्क दिखने में आपको आ जाएगा। मैं इसका यूज़ करती हूँ, पहले मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा टूटते थे, लेकिन मैं जब से इसका यूज़ कर रही हूँ मेरे को ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है, इसलिए मैंने इसका रिव्यू दिया है जिससे कि आपका भी इसका फ़ायदा हो। चलो अब बात करते हैं कि इसमें फीचर्स क्या क्या है और इसकी डिटेल्स बताते हैं अब आपको। तो इसकी जो क्वांटिटी है वो आपकी 340 मिलीलीटर है, और साथ ही इसका जो ये जो आपका 80% तक हेयर फॉल को आपका हेयर फॉल को कम करेगा, साथ ही साथ आपके बालों को सिल्की शाइनी स्मूथ बनाएगा। आपका 80% तक ये बहुत हेयर फॉल को कम करेगा, ये बात बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो है आपको डिटेल में लिखा भी हुआ है ये आपके बालों का एक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है। ये आपके ऑल हेयर टाइप्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि किसी के बाल ऐसा होता है कि घने होते हैं और किसी के बाल बहुत हल्के होते हैं, तो हर तरह के बालों के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि इसका यूज़ किस तरह से आपको करना है। तो चलिए चलते हैं अब इसकी यूसेज पर। आपको जो है अप्लाई करना है इसको अपने, जैसे आप अपने बालों को अच्छे से धो लेते हैं, धोने के बाद आपको जो है
गीले बाल होते हैं आपके, फिर आप उनको सुखाते हैं। सुखाने के बाद आपको जो है 3 से 4 मिनट के लिए इसका यूज़ करना है। मतलब आपको जो है इसके अंदर दिया हुआ है, मैंने आपको इसमें पूरा डिटेल में दे रखा है, वीक में 3 बार इसका यूज़ करना है। तो आप इसका यूज़ करेंगे तो आप इसका फ़र्क देखेंगे। साथ ही साथ आप जो है एक केश किंग ऑयल भी आता है, अगर आप इसका भी यूज़ करेंगे तो मैं गारंटी से आपको बताती हूँ कि पक्का आपके जो हेयर फॉल है वो कम हो जाएगा। साथ ही आपको इस सिल्की शाइनी स्मूथ हेयर ज़रूर मिलेंगे। तो आप इसका भी यूज़ करें अपने बालों के साथ साथ, शैम्पू के साथ साथ। और अब बात है कि इसका जो कंटेनर है वो किस टाइप का है, तो ये प्लास्टिक बॉटल में है और इसका जो कंट्री है वो ओरिजिन है इसकी, तो ये इंडिया है। इसमें आपका मैन्युफैक्चर पूरा इसमें इमामी लिमिटेड का है और इमामी लिमिटेड इसमें जो है सब कुछ इसमें डिटेल में लिखा हुआ है कि आप इसका, ये जो असम में है, इसका पिन कोड वगैरह सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखा हुआ है। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी है तो आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। और इसमें जो है पैक्ड बाय ये इमामी लिमिटेड का है क्योंकि ये इमामी का ही एक मैन्युफैक्चरर है। साथ ही साथ इसमें आइटम वेट जो है इसका ये 309 ग्राम का है। और जो आइटम इसमें पूरी लेंथ इसकी वाइट और इसकी सब कुछ इसमें डिटेल में दे रखा है। और इसमें साथ साथ आपका जो है प्रोडक्ट का नेम जो है वो हेयर शैम्पू है, केश किंग आयुर्वेदिक शैम्पू जो होता है वो आपके बालों को एक बेस्ट रिजल्ट देगा। आपको जो है केश किंग हेयर ऑयल भी लगाना है और आप इसका इन दोनों को मिक्स करके लगाइए, आपका देखना बाल कितने अच्छे हो जाएंगे। 4 स्टेप आप फॉलो कर लीजिए, मैं गारंटी से बता रही हूँ आपके बाल डेफिनेटली इन बढ़ेंगे, घने होंगे और साथ ही आपके जो है लंबे होंगे, जड़ से मजबूत होंगे। केश किंग आयुर्वेदिक शैम्पू जो है आपके बालों को, आपके बालों की रेमेडी है एक तरह की, जो कि आपके बालों को और आपके साथ साथ आपके बालों की जड़ों को मजबूत बनाती है और जितने भी बालों से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है सभी का सॉल्व करती है। और साथ ही साथ आप जो है आयुर्वेदिक जो है जो शैम्पू है ये एक्सपर्ट्स के द्वारा सुझाया हुआ है, तो आपको इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इसका जैसे यूज़ करेंगे तो आपका डेफिनेटली बिल्कुल आपको फ़र्क मिलेगा इससे और आपके जो बाल है वो पहले से घने हो जाएंगे। इसमें जो है आपका पता ही चल गया होगा, मैंने इतने सारे आपको 21 इंग्रेडिएंट के नाम भी बता दिए हैं, उनका फ़ायदा भी बताया है, कुछ होगा तो फ़ायदा भी बताया, तो आपको पता चल गया होगा कि कितने अच्छे अच्छे इसके अंदर इंग्रेडिएंट शामिल हैं। साथ ही ये आपके बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है और उनको बालों को गिरने से रोकता है। आपको ये जो डैंड्रफ है उसको ये कंट्रोल करता है और साथ ही साथ आपके जो ड्राई हेयर है उनको ये जिसे सिल्की बनाता है, हेल्दी बनाता है और ब्यूटीफुल बनाता है। ये जो है आपका जेंटल है और हर्बल और साथ ही साथ फ्रेग्रेंस जो है इससे मिलकर बना हुआ है, तो आप इसको समझ गए होंगे कि ये बालों को कितना ज़्यादा ही अच्छा बनाएगा और खूबसूरत भी बनाएगा साथ साथ, और बालों का कलर जो है उसको भी डैमेज नहीं करेगा और उसको ही अच्छा बनाएगा। इसमें जो जो इंग्रेडिएंट शामिल है मैं उसको बता देती हूँ आपको, तो इसमें आपका भृंगराज है, जटामांसी है, मूस्टा है, ब्राह्मी है, अमालकी है, निम्बा है, मेथी है, मंदूक पानी है और साथ ही इसमें आपका मंजिशा है, लोधरा है, मेहंदी है, करंजा है, तुलसी है, कोला है, बिबीता का है, गोकसुरा है और हरिता की है इसके अंदर, नाग केसरा है, सिकाकाई है इसके अंदर, एलोवेरा है और साथ ही साथ इसमें है रोजमेरी है। इसमें आपको पता चल गया होगा कि इसमें 21 इंग्रेडिएंट शामिल है जो कि आपके आयुर्वेदिक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को ढेर सारे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज ऐसे ही लाती रहूंगी, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।